थमा गनीसा, आपने लास्ट ब्लॉग देखा जिसमें हमने भाई की शादी की शॉपिंग करी, उसके बाद हम गए शिल्पग्राम के मेले में। अब उसके आगे का ब्लॉग है, रात के 10 बज गए और मुझे फास्ट फूड खाना था तो हम आ गए सुखाड़िया सर्कल और खा पीकर हम निकल गए घर की तरफ। ये जो मेरे बिट्टू जीजा है इनका घर है उदयपुर में। यह है घर, मॉर्निंग में आपको पूरा घर बताऊंगी। हम लोग सो गए थे, फिर मॉर्निंग में उठकर इससे मिली, यह है मिष्टी। कॉफ़ी लेकर हम आ गए छत पर, फिर मैं और जीजा बातें कर रहे थे। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, हम लोग कहीं पर भी जाते ट्रिप में तो हम लोग साथ में ही जाते हैं। जीजा के देरानी ने बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी बनाई थी और पोहे भी बहुत मस्त बने थे। उसके बाद ब्रेकफास्ट आ गया था तो वो करने के बाद पास के ही कॉलोनी में आंटी है, उनके फैक्ट्री है ब्लैंकेट और पिलो की और 5-स्टार होटल वगैरह में जाते हैं इनके प्रोडक्ट्स, तो मम्मी को भी चाहिए थे घर के लिए इसलिए हम गए उनके घर पर। उनके पास 6 पिलो और 1 ब्लैंकेट ही थी घर पर, बाकी सब शॉप में थी तो वो ले ली, बाकी का ऑर्डर दे दिया। वीडियो में जो दिख रहे हैं मम्मी है, जीजा है, उनके देरानी है और जो घूंघट निकाल रखा है वो जीजा के देरानी के भाई की वाइफ है। और जो आप सामने देख रहे हो ये सुंदर सी श्रीनाथ जी की फ्रेम, ये हैंडमेड है। जिनका ये घर है, जिनका ये बिजनेस है ना पिलो का, उन्होंने ही बनाई है। इनके एग्जीबिशन लगते हैं उसमें ये बहुत सारी सेल हो जाती है इनके, बहुत सुंदर थी। पिल्लो और ब्लैंकेट की जो क्वालिटी थी वो A1 थी और साथ में वो इतनी लाइट वेट थी जो कि होटल में होती है ना बिल्कुल सेम वैसी थी। उसके बाद उन्होंने चाय नाश्ता करवाया। वो जो आंटी थे वो बहुत ही स्वीट नेचर थे। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए, बीच में हम लोग रुक गए शॉपिंग के लिए। जीजा को अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने थे तो उन्होंने शॉपिंग की। एक्चुअल में बाहर लिखा हुआ था मिनीसो का स्टोर है तो मुझे क्यूज से स्टफ़ बहुत पसंद है तो वो लेने के लिए मैं अंदर गई, लेकिन वहाँ मिनीसो का स्टोर नहीं था। लेकिन कोई ना, उसका अल्टरनेट मिल गया, DIY स्टोर था जिसमें भी बहुत सारे क्यूट स्टफ थे। और अगर प्राइस रेंज की बात करूँ तो ठीक ठाक था, इतना महंगा तो नहीं था। उसके बाद में हम लोग गए जूड़ियों के लिए। जूड़ियों के लिए भाई को बहुत मनाना पड़ा, वो बोलता है तुम लोगों की शॉपिंग ख़त्म होती नहीं है। और इस बार तो हमको कहा था कि जूड़ियों से तुम्हें शॉपिंग करनी पड़ेगी और बहुत सारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं और बिट्टू जीजा को ही जूड़ियों में जाना था तो फिर हम दोनों को शॉपिंग करनी पड़ी। उसके बाद जीजा को हम लोगों ने रात सामान ड्रॉप कर दिया, वहाँ उनका एक और घर है। उसके बाद हम लोग आ गए होटल कैलवा, जहाँ भाई बोलता है कि मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ यहाँ चाय पीता हूँ, बहुत टेस्टी मिलती है, तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी ले ली। कमेंट में बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा और आप किस टाइप का ब्लॉग देखना चाहते हो, ये भी ज़रूर लिखना।